किसान एकता जिंदाबाद। दिल कर जा क्या सुनते हैं भजन का, प्रशासन का खिलाफ ला दो, वर्तमान शासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद। यही कहने की जरूरत है, हम नई चीजें काम लिया है। आंदोलन आपने देख लिया 13 महीना गया, इतिहास में और इतना बड़ा आंदोलन कोई है नहीं जो आपने जीता है, इतिहास में पूरी दुनिया के इतिहास में। सरदार अजीत सिंह का चर्चा सुनते हैं, 9 महीने चला था आंदोलन, वो भी जमीन के लिए था। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो साथियों भाई, अपने पीछे आप देखने लाग रहे हो भाई, धरना चालन लाग रहा है। तो फिलहाल आज नीमड़ी वाली में फिर दोबारा पहुंच गए, दूसरा दिन। तो भाई किसान आल संगठन के भाई नेता और किसान यूनियन चढ़ूनी के और भाई जो खापों के भाई जो चौधरी हैं वो भी भाई सारे पहुंच रहे हैं नीमड़ी वाली गांव में। तो जो आपान मामला था वो कल बता दिया था भाई, आज एक बार फिर बता दिया। हाँ, मामला है भाई इन टावरों का, जो ये बिजली के लंबे लंबे टावर दिखे हैं आपने इस कैमरे में, तो ये दिखा दें भाई। फिलहाल ये टावरे टावर हैं जो नू लगा लो भाई, 1 किलम बीच में घट गया तो भाई बोन की जगह भी को नहीं रहा है। और इन टावरों का गठन पर भाई जो मुआवजा नहीं मिल रहा किसानों ने, उस मामले में भाई आड़े फिलहाल या पंचायत हो रही है, और पंचायत में भाई आसपास के जितने गांव हैं उन गाँव के भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और भाई खाप पंचायत के चौधरी भी इकट्ठे हो रहे हैं, और भाई ऑल इंडिया किसान सभा के जितने भी भाई जो सदस्य हैं वह भी इकट्ठे हो रहे हैं, और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के भी भाई जो साथी हैं वह भी आ रहे हैं, और भाई महिलाएं भी आ रही हैं। तो भाई फिलहाल जो पंचायत चल रही है और भाई जो प्रधान है वह भाषण देने लाग रहे हैं भाई। तो साथियों भाई यो है टावरा का मुद्दा भाई, टावरा का जिस खेत में लग गया भाई उसमें पैसों की टाल मटोल हो रही है, और भाई किसानों के साथ भाई फसल सारी बर्बाद होगी, और भाई जड़क है ये जो जहाँ हैं जो भी भाई तार, तो उसके नीचे का भी पूरी फसल बर्बाद होने लग रही भाई, तो जायज़ पैसे नहीं मिल रहे किसानों ने। तो उसके बारे में भाई बात करांगे जो किसान प्रधान था और खाप के चौधरियाँ थे, तो के रहा है भाई आज की मीटिंग में। फिलहाल तो मैं देखने लाग रहा हूँ आज तो भाई शायद ही फिलहाल पुलिस भी नहीं दिखने लाग रही, और भाई काम भी नहीं चलन लाग रहा भाई टावरा का। तो एक बार पूरी जानकारी तो भाई पता ना तली जाएगी भाई के कुछ चल रहा है, तो ये दिखा दें एक बार भाई। तो पूरी तादाद में भाई किसान आ रहे हैं, अलग अलग गामात आ रहे हैं और किसान संगठन भी आ रहे हैं, तो ये दिखा दें भाई और पूरी जानकारी लेवाएंगे। तो साथियों भाई एक बार अपना ये दिखा दें टावर की जगह। फिलहाल तो भाई आज कोई भी भाई ना तो लेबर आई ना पुलिस आई भाई, उनने पता चल गया भाई पूरा गांव उठ के आ गया, और भाई जो भी कापाए प्रधान थे और आसपास के लोग थे भाई, तो ये दिखा दें भाई आपने के बचा है किले में। और ये देखियो ये देख लो भाई, नू लगा लो किले के बीच में 1-2 और एक 3 और एक इस साइड 4 और एक इस साइड, तो भाई लगभग किला बीच में पूरा किला ख़त्म है। और एक बार भाई साहब राकेश आर्या तो बात करांगे, तो इस साइड दिखा दें धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, तो देखना आगे देख वह ये दिखा दें भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई साहब पहले तो आपका भाई धन्यवाद, तो भाई ये इनका नाम बता दें आप, राकेश आर्या सीमार। तो भाई साहब फिलहाल जो ये टावर गड़न लाग रहे हैं मतलब लगभग सारा खेत बर्बाद हो गया। हाँ सारा के भाई, ये लगभग ये मान लो 3 एकड़ की जमीन लगभग इसमें खराब हो जाती है, और आप ये देखते हो 150 के फुट के आसपास ये तारों की मतलब ये चौड़ाई है, और 20 फुट मात्र हाइट पे इनका ये रखेंगे हाइट, और फिर बीच में झोंक होगा वो न्यारा दूसरा। और आप ये एक बार नीचे देख लो मटेरियल कितना ये मटेरियल ज़मीन में छोड़ जाते हैं, इसका उठाने में लेवलिंग करने में हमारे 1.5 से 2 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, और ये दे रहे हमें फसल का नुकसान, और इस खेत में फसल नहीं है अगर इसका भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा।
और ये जो आपको बता रहा हूँ ये जितनी चौड़ाई में 150 फुट की चौड़ाई और ये लगभग 3 किले की लंबाई में ये पिल्लर गाड़ के कांटेदार तार लगा देंगे बाद में अपना ये लाइन पूरी होने के बाद। और फिर उसमें ये कहेंगे कि उस पर लिख देंगे वो नो एंट्री डेंजरस एरिया। तो इसमें ये बताओ ज़मीन तो ये किसान की कह रहे हम ले ही नहीं रहे, तो वहाँ पे आप ये बताओ ये जो नो एंट्री का डेंजरस एरिया लिख के क्यों करते हैं? तो कम से कम अब ये जो 11,000 की लाइन की हाइट होती है तारों की वो भी 33 फुट करने लगे और यहाँ पे 220 kV की लाइन है इसकी हाइट मात्र 20 फुट और 20 में से भी ये खुद मान रहे हैं कि बोला जी ये आपके 4 से 5 फुट बीच में तारों का झुकाव हो जाता है, इसलिए बोले हम इसमें नो इंट्री का बोर्ड यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद यदि कोई किसान इसके अंदर बढ़ेगा तो वो उसकी खुद की मतलब अपने रिस्क पे बढ़ेगा, कोई हादसा होगा तो उस उल्टा उसी के ऊपर क्लेम डालेंगे। और बड़ी लाइन आप ये देख रहे हो 765 kV की पहले से निकली हुई है, इसके नीचे से जो हम मजदूर आते हैं वो काम नहीं करते हैं, ये खुद किसान को अपने घर के आदमी लगा के और चाहे वो कैसे भी करे वो इसके नीचे पहले से इस पर काम करवा रहा है क्योंकि इसमें करंट आते हैं, बाहर लेबर इसमें काम नहीं करती। और कल को यहाँ इसके नीचे काम करते हुए कोई हादसा हो जाता है, जैसे किसी ने मजदूर लगा रखा है और उसमें कोई हादसा हो गया तो उसका क्लेम किसान को अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब ये बताओ लाइन तो इनकी, हादसा हो गया तो वो उसका ऊपर करेंगे, दूसरा उसके ऊपर ये क्लेम भी डाल देते हैं किसान पे कि आप इसके नीचे ऐसा काम क्यों करें, आपकी वजह से हमारी तार टूट गया, हादसा हो गया, ऊपर से वो क्लेम डालेंगे वो अलग। तो बताओ ये कितनी लाइनें इस गांव में आ गई तो कहाँ पे जाएगा किसान, ज़मीन ही बची, कंडीशन इतनी हो जाएगी तो किसान भूखा मरने की कगार पे सरकार की नीति की वजह से आ गया। ठीक है भाई साहब, तो साथियों भाई ये दिखा दें धरना प्रदर्शन चल रहा है और भाई ये मातृ शक्ति भी भाई आ रही हैं पूरी तादाद में पूरे गांव की भाई आसपास की, और किसान संगठन हैं भाई उनके भी सब अध्यक्ष और भाई जो खाप पंचायत के चौधरी हैं वो भी सब आ रहे हैं। तो मातृ शक्ति तक एक भाई बात करांगे के कुछ चल रहा है धरना पे के कुछ रहा। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप किसान मजदूर की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हो। आज ये जो नीमड़ी वाली के खेतों में जो आज ये पंचायत हुई है ये इस चीज़ को लेके हुई है कि यहाँ से जो लाइन लेके जा रहे हैं ये इस लाइन का कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं है। ज़मीन हमारी और उस ज़मीन को ज़बरदस्ती कंपनी के माध्यम से सरकार हथियाना चाहती है, इसी के विरोध में आज ये पंचायत हुई है और इस पंचायत में जो भी फैसला लिया जाएगा हो सकता है ये आंदोलन लंबा चले, यहाँ चले, रोड पे चले, जो भी आज पंचायत यहाँ फैसला लेगी उसी के अनुसार आगे हम इस आंदोलन में भागीदारी निभाएंगे और सरकार के खिलाफ बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे। आज सरकार का क्या है कि जब जब भी किसानों की चाहे ज़मीन हथियाने की बात हो चाहे और कोई हो ये पुलिस प्रशासन को आगे कर देता है। पुलिस विभाग में जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे किसान मजदूर के बच्चे हैं, उनसे क्या टकराना है? टकराव हमारा सरकार के साथ रहेगा और सरकार जब जब भी हमारे साथ वादा खिलाफी करेगी हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये जो हमारे दादा लाई ज़मीन है, खून पसीने की ये ज़मीन है, इसके ऊपर कब्जा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। धन्यवाद जी। तो एक बार संतोष जी तो और बात कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी फिलहाल एक बात बताओ धरना पर फिलहाल के डिसीजन रहा भाई, के फैसला लिया गया है के भाई फिलहाल तो काम चल नहीं रहा, आज बंद है? ऐसे है जी, कल तो काम चल रहा था, आज पंचायत का जो ये पंचायत का फैसला लिया गया तो इसीलिए काम नडर के लिए बंद कर रखा है। हम ये चाह रहे हैं जो हमारी पंचायत आज हुई है, पंचायत फैसला लेगी उस पे खड़े उतरेंगे हम लोग। और जो ये हमारे निमड़ी वाले गांव की महिला है, 2 दिन से हम गांव महिलाओं के बीच में भी गए थे, उनका जो प्रशासन का एक खौफ था वो भी महिला के दिल से दूर हो चुका है। महिलाओं ने कहा कि हम आगे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगी, चाहे हमें ये खेतों में धरना रखना पड़े या हमें बाहर, क्योंकि ये धरना हमारी खेती के ऊपर भी है, क्योंकि जो इस तरह के टावर आए हैं अपन 13 वो 6 टावर और आने हैं, इसे तो हमें लगता है जीने का भी यहाँ पर सांस जीने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी ये पंचायत फैसला लेगी जब तक ये पंचायत आंदोलन चलेगा अखिल भारतीय जनवाद मिला सकते बड़े चटकी में भाग लेगी। धन्यवाद। इन तौर बात कराएं भाई निमड़ी वाली गांव की महिलाएं आ रही हैं भाई और नमस्कार। मैं सोनिका निमड़ी वाली, हमारे खेतों में जो ये टावर लगे हुए हैं इन टावरों के लिए हम 18 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, हमारा कहीं भी कोई समाधान नहीं है। प्रशासन दबाव बनाता है, पुलिस फोर्स आके हमें फोर्स करते हैं कि क्या करोगे, मजबूर कर रखे हैं हम बिल्कुल। हम इन टावरों के उचित मुआवजे के लिए हम सांसद विधायक सभी से मिल चुके हैं, हमें झूठा आश्वासन दिया जाता, कोई समाधान नहीं होता हमारा।
और जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। माया गिल निमड़ीवाड़ी से भाई मेरे 3 किले हैं, 3 किला में 3 टावर आ रहे हैं, 1 बड़ी लाइन पहली जा रही है, तो अब न माँ बेटा न्यू नहीं बेरा एक भैया लाइन कद खुद आएगी। अब न किसी पड़ोसी ने बताई एक भाई तार खेत में JVC पुलिस सारी सब माँ बेटा आए मारा धक्के मारे माँ बेटा का लेडी पुलिस थी बोले आते आर तो बोले बाहर निकल जाओ मारा खेत मारे पर कब्जा कर रखे हमने। अब माँ बेटा खूब रो कि ना खूब बोले किसी ने सुनाई नहीं करी। उस तो अगला दिन हमने पंचायत करी, उस दिन के हम धरना पर बैठे हैं, 1 हफ्ता हो गया। फिर 18 तारीख की बात सही है, तो हमने पहले कोई किसी ने सूचना नहीं दी भाई तार खेत में टावर आऊँ से। हमारे 3 किले हैं, 2 बेटे हैं, भाई बापन का सह नहीं ना छोटा छोटा ना भाई छोड़ के मर गया था मन पाड़े किला में। 3 किले हमारे घर के हैं, 3 हम और बोले किसी पड़ोसी के, जब हमारे 3 किले नहीं रहे तो भाई पड़ोसी के हम कौन देवागा हमने बोन ने यही बो भी ले तो इसका खतरा सही भाई इतना करंट आव है ना कोई सत नाला पड़े मतलब 1.5 किला तो ऐसा हो गया कि मानस भी नहीं पड़ सके इस समय का। ठीक है भाई मेरे कल जो वीडियो बनाई गई थी पत्रकारा द्वारा उसमें हमने कुछ कमेंट पढ़े भाई जनता की भी देखनी चाहिए कोई हमारे बारे में क्या सोचा है उनका सोचना है। टावर कित गड़े जमीन में नहीं गड़ेंगे तो हमने भी बेरा है जमीन पर ही गड़ेंगे फिर थोड़े सोच के तो देखो आ किसान ना की सारी धरती न्यू अड़पण लाग रहे ये कड़े जीवेंगे इनका थोड़ी नौकरी पर लाग रहे हैं सब। हम तो अपने बड़का ने इन खेतों में पाला हाँ न्यू को नहीं काम की तो जॉब के ऊपर लाग रहे हाँ न्यू कम है लाल झंडे वाले ने इनका साथ दे दिया अरे किसान ने साथ देवेंगे और कौन साथ देगा तम जब किसान होंगे ना तो तम ब्याज अड़पन दे तम किसान को नहीं। कल जो वीडियो बनी ना मैं न्यू ये कहना चाहूँ जो कल वीडियो बनी जा आड़ कोई लुगाई ना चाहे ना तो सब ने कहे वाह के बात है आज हमने यह बात कही ना अपने किला के ऊपर तो किसी ने साथ कौन दिया जब किसान के बेटे हो ना तो आड़ आके ना इस धरना के ऊपर आके ना आर मारा साथ दियो जब हम सोचेंगे अग हाँ तुम भी किसान के बेटे हो। तो साथियों भाई फिलहाल अलग अलग संगठन तय भाई किसान नेता आन लाग रहे हैं और भाई अपना जो साथ हैं संदीप नथवाण जो मनदीप नथवाण तो पगड़ी संभाल जट्टा के अध्यक्ष हैं और उनसे बात करांगे एक बार जो फिलहाल भाई इस टिब पर जो पंचायत होने लाग रही है उसमें भाई शामिल होने आए थे और किसाना का संगठन है भाई वो पगड़ी संभाल जट्टा तो एक बार इन तक बात करांगे भाई के कुछ चल रहा है आज तो नमस्कार जी। नमस्कार तो सर जी आज जो फिलहाल पंचायत चल रही है आपका क्या राय है? देखिए जमीन जो किसान की है उसके ऊपर यदि कोई जमीन अधिग्रहण करनी है तो किसान की मर्जी से होनी चाहिए, किसान के साथ धक्का नहीं होना चाहिए। मगर सरकार है जो वो लगातार कॉरपोरेट पक्ष की सरकार है, वो कॉरपोरेट पक्ष की नीतियां देश में लागू कर रही है, पूरी ज़मीन पर कॉरपोरेट कब्जा करना चाहता है क्योंकि ज़मीन ही एक ऐसा साधन है जो पेट भरती है, ज़मीन से अनाज पैदा होता है। अब आपने देखा होगा दिल्ली आंदोलन के बाद भी अभी वो नीतियाँ फिर दोबारा देश में लागू करने की फिरात में है जो BJP सरकार है। तो ये अभी टावरों का मामला है जिसे हमने कल सरकार के साथ राजेश खुल्लर के साथ मीटिंग थी पंचकुला के अंदर वहाँ भी हमने उठाया, उन्होंने MD साहब को फ़ोन भी किया और उन्होंने दफ्तर से फ़ोन भी आया कि हम किसानों की बात सुनेंगे मुआवजा देंगे, मगर सरकार ये जुमलेबाजों की इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आज पंचायत हमारे संगठन के साथी भी आए हैं और हम इस इलाके के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मजबूती के साथ एकता के साथ लड़ें तो हमें मुआवजा भी मिलेगा हक भी मिलेगा। यदि मुआवजा ना दिया गया तो किसान तो पहले ही बहुत कमज़ोर है, वो तो और आर्थिक संकट में पड़ जाएगा। तो जो नीतियाँ हैं सरकार की वो किसान विरोधी नीतियाँ हैं, तो इसलिए हमें एकता के साथ एकजुटता के साथ लड़ना पड़ेगा इसी लाइन। ठीक तो साथियों भाई आज की जो पंचायत चल रही है और भाई इसका जो निर्णय लकड़िया है वो बातचीत करांगे भाई कई जो खा पंचायत हैं उनके भाई प्रधान आ रहे हैं, किसान संगठन हैं उनके भी प्रधान आ रहे हैं भाई, वन खाप के भाई प्रधान से बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं नरसिंह सांगवान जनरल सेक्रेटरी सांगवान खाप 40। आज हम यहाँ निमड़ीवाड़ी के यहाँ जंगल में खेतों में आज हमारा किसान सभा का और सारी किसान यूनियन
और भिवानी जिले की सभी खापें सांगवान खाप, फोगाट खाप, जाटू खाप, चौगामा खाप और सभी किसान यूनियन हर टाइप की, तो सब उनका यहाँ एक धरना था और उस धरने में हजारों की संख्या में लोग आए हैं, सभी किसान और मजदूर आए हैं। और उसका मेन कारण ये था कि निमड़ी वाली से इस सरवाल साइड में या कोई लाइन आ रही है कोई जा रही है तो यहाँ किसानों के खेतों में इतना नुकसान है, इतनी ज़मीन घेरते हैं और उस किले की कीमत भी आधी से भी आधी हो जाती है और ना किसान को उचित मुआवजा मिलता ना फसल के नुकसान का मुआवजा मिलता। इसके लिए आज हमारा बहुत बड़ा धरना था और हमने यहाँ काम रुकवा रखा है और सभी भाइयों से प्रार्थना है कि ये धरना अनिश्चितकालीन लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान और मजदूरों की भलाई के लिए मदद के लिए यहाँ निमड़ी वाली पहुँचे। और सरकार से भी हमारी ये अपील है कि इन कंपनियों से बैठा के हमारी बातचीत करवाए और बातचीत में किसान को उचित मुआवजा दिलवाए, क्योंकि किसान ही अगर सही मायने में देखा जाए तो देश का अन्नदाता है, देश का विधाता है और देश का सब कुछ किसान और मजदूर है। तो मेरी सभी भाइयों से भी, किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, जो भी चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पहुँचें, किसान और मजदूरों की मदद करें। और जो भी हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है, इस धरने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद। तो एक कामरेड जी से बात और कराएंगे, ओम प्रकाश जी थे। तो सर जी, फिलहाल तो मैंने देखा भाई काम बंद हो रहा है, तो भाई कितने के कुछ रहेगा आगे का, के डिसीजन है के काटा भाई, के कुछ होना चाहिए फिलहाल, धरना कितने दिन चलेगा, के कुछ रहेगा इसके बारे में? देखिए, कल जो पुलिस फोर्स यहाँ लगा करके ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया था और ये आह्वान किया था कि हम 28 तारीख को यहाँ महापंचायत बुलाएंगे अलग अलग संगठनों की, अलग अलग खापों की। उसी के अनुसार प्रशासन को ये पता लग गया कि आज बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं, मजदूर इकट्ठे होंगे, तो उनकी सद्बुद्धि आ गई और उन्होंने आज वो जो यहाँ से चले गए। और हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक इन किसानों को संतुष्टि के लिए न्यायोचित मुआवजा नहीं मिल जाता ये टावर खड़ा करने का, तब तक ये धरना लगातार कंटिन्यूस 24 घंटे चलेगा। और तमाम संगठन इसमें सांगवान खाप, फोगाट खाप, अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन चंदूनी ग्रुप और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, ग्राम स्वराज मोर्चा और चौगामा खाप और जाटू खाप, ये सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि ये ज्वाइंट रूप में लगातार 24 घंटे धरना चलेगा और इसमें हर एक दिन एक एक यूनियन जिम्मेवारी लेके यहाँ महिलाएं और पुरुष आएंगे। और हम ज़बरदस्ती प्रशासन अगर वो काम करने की कोशिश करेगा, जब तक सर्वमान्य हल नहीं निकल जाता तब तक हम विरोध करेंगे, काम शुरू नहीं करने देंगे, प्रशासन को ये फैसला लिया है। तो सर, जो आज भाई पंचायत हुई थी इसके बारे में जो निष्कर्ष लग रहा, तो वो भाई कामरेड जी से पूछी और सांगवान खाप के प्रधान थे उनसे बात करी, तो भाई एक बार इन तौर बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा की तरफ से हम जो आज ये कितना ये निमड़ी वाड़ी में जो टावरों को लेके किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती जो टावर खेतों के अंदर लगाए जा रहे हैं, इसके अंदर मैं प्रदेश युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष ग्राम स्वराज किसान मोर्चा की तरफ से हम आश्वासन दिलाते हैं कि हमारा जितना सहयोग होगा उससे बढ़ चढ़ के हम इसमें सहयोग देंगे। हमारा ग्राम स्वराज किसान मोर्चा इसके अंदर जो किसानों के ऊपर जहां भी जो भी आँच आएगी हम उसको पूरे ज़ोर शोर से उठाएंगे और हमारे किसानों को की आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। इसके अंदर हमारे चाहे हमें इसके लिए खून भी बहाना पड़े उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। हमारे चल रहा है धरना, इसके ऊपर सबकी नज़र है, इसके ऊपर ये ना समझे कि भाई कोई भी किसी की नज़र नहीं है। जितने संगठन आज आए हैं सब ने ये आश्वासन दिलाया है और हम भी ये आश्वासन दिलाते हैं कि किसान योद्धा शहीद मंगल सिंह खरेटा जो थे उनको उन्होंने किसान के लिए अपनी ताउम्र संघर्ष किया और संघर्षी किसानी के नाम जो अपनी उम्र लगा दी उसके ऊपर हम कायम हैं। उनको हम किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे किसान की
जो भी आवाज होगी उसको झुकने नहीं देंगे, हम जीत के जाएंगे और हमारी जीत पक्की होगी। जय जवान जय किसान। ठीक है तो भाई इन तो और बात करा, एक भाई अलग अलग संगठन के नेता रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी इस पंचायत का आज यह पंचायत हुई, इस बार में आपकी क्या राय है, क्या निष्कर्ष है, क्या कहना चाहोगे इस बार? ये जो निमड़ी वाली के किसानों की जो टावर की समस्या है, इसके मुआवजे की जो समस्या है, ये इनकी जायज मांग है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान की जो ज़मीन जा रही है उसके ऊपर के तार जा रहे हैं तो उसकी जो खेती बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। और हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन इसके लिए निमड़ी वाले किसानों के साथ तय दिल से जुड़ा हुआ है, और जब तक सरकार इनके मुआवजे की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा, और अगर नहीं माननी सरकार सोमवार तक तो हम और आगे तकड़ा फैसला लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो साथियों चनूनी संगठन तय हैं जी, इन तक बात करांगे। और भाई और भी संगठन हैं, दीनबंधु सर छोटू राम और अखिल भारतीय किसान सभा। तो भाई फिलहाल आड़ा पूरी पंचायत थी और जो आपने पहले भी बताई थी, तो इन दौर बात कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो फिलहाल जो पंचायत तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए हमारे को भी यहाँ निमड़ी वाली में जो टिब्बे को धरना चलाया हुआ है, आने का सौभाग्य मिला, और यहाँ पूरा हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से सभी संगठनों के जो अगवा लोग यहाँ पहुँचे थे, और हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि कल यहाँ कोई किसानों की प्रशासन की कोई मीटिंग होनी है, अगर मीटिंग सफल नहीं होती है, प्रशासन की इनकी बात नहीं मानता है, तो जेसीबी वगैरह कुछ भी काम करने आएगी तो जेसीबी यहाँ खड्डे नहीं खोदेगी। जो किसानों के जो टिब्बे हैं ये काफ़ी उबड़ खाबड़ हैं, किसान उन जेसीबी से अपने टिब्बे सीधे करेगा, या तो हमारा काम कल बात मान जाए, वरना अगर कोई जेसीबी वगैरह लेगा होगा प्रशासन, उस तय जेसीबी ने ये टिब्बे से देख जाएंगे ना कि खड्डे खदवाए जाएंगे। तो काम जरूर करवाया जाएगा उनसे। काम करवाएंगे, क्योंकि टिब्बे में काफी जरूरत है जेसीबी की, और किसान के पास पैसा भी नहीं है, प्रशासन की जेसीबी होंगी और टिब्बे सीधे होंगे मारे। ठीक है जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी नरेंद्र जी, पहले तो आपका परिचय दो जी। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान किसान सभा, जिला हिसार व राज्य उप प्रधान किसान सभा व अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का हरियाणा का प्रेसिडेंट शमशेर सिंह नंबरदार, गांव लाडवा जी। तो पहले तो नू बताओ जी, फिलहाल धरना यो चलन लाग रहा है, और भाई जो किसानों के खेत खराब होने लाग रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा, तो इस बार में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगा, ये अजीतपुर का जो पावर ग्रिड यहाँ पर है बड़ा बिजली घर, उससे ये सभी उद्योगपतियों के फैक्ट्रियों के अंदर भेज रखी लाइट, और किसानों के खेतों के अंदर जबरदस्ती टावर लगा करके किसान की संपत्ति को तो सरकार ने और इस पूंजीवादी सोच के लोगों ने अपनी माँ का दूध मान लिया। मेरे को तो रोना आता है, तमाम किसानों के खेतों में टावर गिर गए और जमीन की कीमत जीरो होगी, और अब एक नई लाइन और यहाँ से ले जाई जा रही है। कल किसानों के एतराज करने के बावजूद ताकत का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार प्रशासन ने, बिजली निगम के अधिकारियों ने निमड़ी वाली जिला भिवानी के खेतों के अंदर जो नंगा नाच किया, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, और एक ऐलान करते आज चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को और इस बिजली निगम के कर्मचारियों को दे करके जाते हैं। इतनी ताकत है तो निमड़ी वाली में जो अजीतपुरा से और ईश्वरवाड़ तक जो लाइन ले जा रहे हैं, इसमें एक एक ईंट लगा करके दिखा दो, हम लगने नहीं देंगे। 20 लाख रुपए प्रति टावर के हिसाब से किसान को बाई इज्जत मुआवजा दिया जाए नगद, और 33 साल के लिए उसकी 10% रॉयल्टी दी जाए, इससे कम हम नहीं मानेंगे। इसके लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानी अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया का और संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार का प्रेजेंट रहा हूँ उसके नाते, और पुनिया खाप का प्रधान होने के नाते हम चैलेंज करते हैं सरकार को, ये जो संपत्ति है हमारी, जमीन है किसानों की, हमारे बाप दादाओं ने फटे हाल भूखे प्यासे रह करके, विपरीत हालातों में भूखे बाने रह करके ये विरासत में हमारे को दे के गए हैं। किसी के बाप की बपोती खट्टर की मोदी की या किसी पूंजीपति उद्योगपति की बाप की बपोती नहीं है, इसको हम किसी कीमत पर नहीं लूटने देंगे। ये आईना हमने 13 महीने के काले कानून वापस करवाने के लिए जो आंदोलन लड़ा सारे देश के किसानों ने, उसमें भी दिखा दिया, एक एक करनी मसाले की नहीं लगने देंगे। ताकत है तो प्रशासन और सरकार यहाँ पर आकर के दिखा दे, 20 लाख रुपए प्रति टावर के हिसाब से पहले मुआवजा, 33 साल की रॉयल्टी, उसके बाद खेतों में घुसने देंगे, वरना नहीं घुसने देंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चैलेंज करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।
तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी अपना शुभ नाम जी। शुभ नाम लीला राम, सरपंच प्रतिनिधि निमड़ी वाली। तो सरपंच साहब ये बताओ, फिलहाल के आप फिलहाल सरपंच हो? हाँ फिलहाल। अच्छा, तो यो के कुछ चल रहा है भाई, किसानों का कितना नुकसान होने लग रहा है? आप तो सरपंच हो, गांव ने भाई चुने हुए हो। नुकसान तो यो है, जिसका खेत चलिया जा है उसको तो रह के जा है, जड़ा मुड़ते ही खत्म करने लाग रहे से। दूसरी बात यह से, हमने 10 दिन हो लिए अनका गाज जोड़ दिया नहीं, अगर कोई बातचीत करके कोई समाधान काट दो, मारी एक नहीं सुनी अन्ने। हमने मजबूरन ठीक है, प्रदेश के जितने भी संगठन थे उनके सारा तो विनती करी और सारे संगठन आए और हमने मजबूती मिली। ई बामूर है हाँ, और आऊँगे तो वाह बात सब आई प्रधान जी आई बल्या साड़ा का टिब्बे एक सार करावांगे। बात यह से आरी भाई अण संगठाना ने जो भी मारी मदद करी है बहुत बहुत धन्यवाद अनका, और ये न्यू ईयर लागे रहेंगे। किसान तो और बात करांगे भाई, किसान तो देखो सारे किसान हैं फिलहाल है, जो खड़े हैं भाई इसके खेत में खड़े हैं किसान का। तो भाई देखो, हमने है ना 3 साल पहले धरना दे रहा था अड्डा के ऊपर, उस जब तक सिस्टम चल रहा था ई वे बीच में फिर भाज गई थी कंपनी 3 साल खातर, ई वे फिर आ गई। ईव हमने इन जितने भी संगठन से इनका साथ मिल गया, ईव ये प्रशासन आ गए हम गेलन इनका गेल सा, ये थी सोने की सड़क बेचाओगे तो हम पाट जाएंगे बिल्कुल, क्यों हमारा ऊपर तो हमने साथ मिल गया, सपोर्ट मिल गई, जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो हम देने खातिर बिल्कुल तैयार सा, एक मिनट उल्टा नहीं हटेंगे। और पुलिस वाले लठ भांगड़ लिया है, लठ भांगड़ा ही लड़ाई कौन रह रही, गोलियां ही लड़ाई से बेसक तो मारो। और हमारा विधायक जो हमने राजा बना के बैठा रखा से घनश्याम सर्राफ, उसका दौर हम 50 बजे एक हफ्ते पहले उसने मीटिंग ली, वो राजा ईसा हो गया कि एक मीटिंग कौन करवा सकता किसी का गेल, इतना काया राजा बना दिया उसने कि कोई यो एक आदमी का पर्सनल काम नहीं है, भाई एक आदमी का क्यों करवा, यो गाम राम का काम था, उसने आड़ा आना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, वो चुने हुए प्रतिनिधि है, कोई न्यू कोनी घनश्याम सर्राफ की काले ईंट ईंट बजा देंगे। और ये जो कोई भाई गुआंड में भी बाढ़ देने उसने तो उसकी गारंटी से 75 घर में हमारी नारी शक्ति जाकी बैठेगी उड़े, उस घनश्याम ने इसी के चूड़ी पैर लिख, भाई कोई एक पर्सनल काम थोड़ी करवाओ से, उस काम ने जो गांव का सामूहिक काम से, इसमें तो भाई नेता आ सके से, इसमें बता के रह गया भाई आके देख ले, जब हमारी गलत मांग से कोई भी तो हम न्यू कह दे भाई थारी भाई गलत मांग से, हम तो यह चाह हम इनका साथ चाह इनका साथ हमने मिल गया, इब ये आ गए हम इनका गेल। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, वीडियो ना समाप्त करांगे, आप आने इजाजत दो, नमस्कार।